हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम कक्षा 5 सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे, सप्ताह 5 अध्याय 5 महासागर। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग महासागरों से ढका हुआ है। इसी कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली गेंद की तरह दिखाई देती है। महासागरों में ही पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल पाया जाता है। महासागरों का पानी खारा होता है। इनमें लगभग 3% नमक होता है। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। बच्चों, हमने ये कथन पढ़ लिया है। अब नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हम इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और सही विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क प्रश्न है, अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी दिखाई देती है, तो यहाँ पर सही विकल्प है नीली गेंद की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव है, तो यहाँ सही विकल्प है ब्लू व्हेल मछली। ग समुद्र के खारे पानी में नमक का प्रतिशत होता है, तो यहाँ सही विकल्प है ई 3%। घ पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं, तो यहाँ सही विकल्प है ई 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, दिल्ली में यमुना नदी बहती है, लेकिन उसका काला बदबूदार झाग वाला पानी धीरे धीरे उन जंतुओं को मार रहा है जो बहुत समय से उसमें रहते चले आ रहे हैं। क प्रश्न है, आप नदियों में होने वाले प्रदूषण को किस प्रकार रोक सकते हैं, सोचकर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको सोचकर लिखना है कि आप नदियों में होने वाले प्रदूषण को किस प्रकार रोक सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हमें नदी में कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए, मल नहीं बहाना चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए और नहाना नहीं चाहिए, मवेशियों को भी नदियों में नहीं नहलाना चाहिए। इससे हम काफ़ी हद तक नदियों के प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ख प्रश्न है, नदियों का पानी प्रदूषित होने से सागर कैसे प्रदूषित हो जाता है, सोचकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि नदियों के पानी से सागर कैसे प्रदूषित हो जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, नदियों का पानी प्रदूषित होने से सागर इसलिए प्रदूषित होता है क्योंकि नदियाँ आगे चलकर सागरों में मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग महासागर कैसे प्रदूषित होता है, हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, सोचकर लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, तेल उत्पादन करने वाले देश टैंकर नामक जहाज से अन्य देशों को तेल भेजते हैं। जब किसी टैंकर की दुर्घटना होती है तो तेल पानी के ऊपर फैल जाता है और महासागरों को प्रदूषित कर देता है। इस तेल के पानी पर तैरने के कारण समुद्री पक्षियों के पंख चिपक जाते हैं और वह उड़ नहीं पाते हैं। मछलियां तथा अन्य जीव दम घुटने के कारण मर जाते हैं। महासागरों के प्रदूषित होने का असर उन लोगों पर भी पड़ता है जो इनसे दूर रहते हैं, क्योंकि महासागरों में फैले तेल का बड़ा हिस्सा सूखकर हवा में उड़ जाता है। इससे तेल का विषैला भाग बादलों में प्रवेश करता है और दूर दूर तक पहुँच जाता है। जब वर्षा होती है तो प्रदूषण फैलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क महासागर से हमें कौन कौन से संसाधन प्राप्त होते हैं, महासागरों से मिलने वाले संसाधनों के नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ हमें महासागरों से प्राप्त होने वाले संसाधनों के बारे में लिखना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, महासागर बहुत प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का भंडार गृह है, जैसे खनिजों में तेल, प्राकृतिक गैस, धातु तथा रसायन इत्यादि, भोजन में मछली, केकड़ा, झींगा इत्यादि, तथा ऊर्जा में समुद्री लहरें, तरंगे, ज्वार भाटा इत्यादि। इसके अलावा महासागर हमारे पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन तथा मौसम को भी नियंत्रित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख आधुनिक समय में ऊर्जा व ईंधन का महत्वपूर्ण साधन क्या है, भारत में ईंधन का यह स्रोत किस सागर में स्थित है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, आधुनिक समय में ऊर्जा व ईंधन का महत्वपूर्ण साधन पेट्रोलियम है।
और भारत में ईंधन का यह स्रोत अरब सागर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, सही मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। संसार की सबसे गहरी गुफा, इसका मिलान करेंगे फ्रांस से। संसार का सबसे बड़ा सदाबहार वन, तो इसका मिलान करेंगे दक्षिण अमेरिका से। संसार की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान, तो इसका मिलान करेंगे ऑस्ट्रेलिया से। संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो इसका मिलान करेंगे नेपाल से। संसार की सबसे ठंडी जगह, तो इसका मिलान करेंगे अंटार्कटिका से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, जब सूर्य महासागर पर चमकता है तो सूर्य की गर्मी से लाखों लीटर जल वाष्पीकृत होकर बादलों में परिवर्तित हो जाता है। यह जल पृथ्वी पर वापस वर्षा या बर्फ के रूप में गिरता है। नदियों और जलधाराएं इस जल को वापस सागर में ले आती हैं और इस तरह जल चक्र का निर्माण होता है। उपरोक्त के आधार पर जल चक्र का चित्र बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि जब सूर्य महासागर पर चमकता है तो सूर्य की गर्मी से लाखों लीटर जल वाष्पीकृत भाप बनकर बादलों में परिवर्तित हो जाता है। यह जल पृथ्वी पर वापस वर्षा या बर्फ के रूप में गिरता है और नदियों और जलधाराओं के माध्यम से इस जल को वापस में सागर में मिल जाता है और इस तरह जल चक्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जल चक्र के बारे में बताया गया है। अब आप नीचे दिए गए स्थान में जल चक्र का चित्र बनाएंगे, तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर जल चक्र का चित्र लगा दिया है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।